नमस्ते दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस पर आज बात मैं आपसे करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ हूँ। और इस मुद्दे पर आप सब लोग निश्चित रूप से सोच रहे होंगे, चिंतित होंगे, और इस बारे में बहुत अखबारों में बहुत कुछ छपा है, चैनलों में बहुत कुछ बातें आई हैं। ये मुद्दा दरअसल जो है वो सरकार ने अभी भी घोषणा की है कि 2021 की जो जनगणना होने वाली है उसमें वो OBC का डाटा इकट्ठा करेगी। खबर सिर्फ इतनी सी है, दरअसल हुआ ये है कि चूंकि 2021 की जनगणना होने वाली है, हर 10 साल पर आप जानते हैं कि इस देश में जनगणना होती है। पहली जनगणना 1872 में हुई, फिर 1881 में हुई, उसके बाद से हर 10 साल पर जनगणना होती है। सिर्फ इस बीच में एक 1941 की जनगणना थी जो दूसरे विश्व युद्ध की वजह से नहीं हो पाई थी, वरना हर 10 साल पर जनगणना होती है। तो सरकार ने इस समय ऐसी कोई लिखित घोषणा भी नहीं की है, कोई प्रेस रिलीज नहीं है। सरकार के अधिकारियों ने ये कहा है कि केंद्र सरकार से उनको निर्देश है कि इस बार की जनगणना में, यानी कि 2021 की जनगणना में OBC का आंकड़ा भी इकट्ठा किया जाए। ये इतनी सी खबर दरअसल आपके बीच आई है और सभी जगहों पर लगभग ये हेडलाइन खबर है, बड़ी खबर के रूप में आप सब लोगों ने इसको देखा है। तो दोस्तों, ये बात तो आपके दिमाग में बस स्पष्ट हो गई होगी कि 2021 को जनगणना होनी है जो हर 10 साल पर होती है, और उस जनगणना में OBC का आंकड़ा इकट्ठा किया जाएगा। अब देखिए, इस देश में जनगणना का और जाति को गिनने का इतिहास क्या है, मुझे लगता है कि इस बारे में मैं आपको संक्षेप में एक जानकारी दे दूं। इस बारे में और जानकारी जो लोग लेना चाहते हैं वो एक मेरी किताब है, जातिवार जनगणना, मानक प्रकाशन ने छापी है, मानक पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने। ये अगर वहाँ पर उपलब्ध हो तो आप देख सकते हैं। मैं दरअसल आज ढेर सारी किताबें आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें कास्ट सेंसस टुवर्ड्स एंड इंक्लूसिव इंडिया ये एक किताब है। इसके अलावा मैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट और बाबा साहब के वॉल्यूम्स भी आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है तो इस पर बहुत गंभीरता से बात होनी चाहिए, और सारी बातचीत रेफरेंस के साथ होनी चाहिए, सारी बातचीत तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस देश में अंग्रेजों के समय में 1872 में पहली जनगणना हुई और 1881 के बाद से हर 10 साल पर एक जनगणना होती है। जब से इस देश में जनगणना शुरू हुई है तमाम जातियों की गिनती होती रही है, और ये गिनती के आंकड़े सरकार के पास आप देखेंगे लाइब्रेरीज में उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं कि कौन सी जाति कितनी है, उसकी आर्थिक स्थिति कितनी है, कैसी है, इसके बारे में आपको आंकड़ा आपको मिल जाएगा। 1931 तक जाति की गिनती होती रही, और 1941 में क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया इसलिए जाति की गिनती नहीं हुई। उसके बाद 1941 के आंकड़े आपके पास नहीं है, तो आखिरी आंकड़े 1931 के हैं। अब इसके बाद 1951 में जो जनगणना होनी थी उसमें पंडित नेहरू की सरकार ने तय किया कि हम एक आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली को अपना रहे हैं, एक आधुनिक विषय जो मतलब समय में हम जा रहे हैं। तो उनका ये शायद अनुमान था कि जाति अब इस देश में खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने 1951 से जातियों की गिनती उन्होंने बंद करा दी। अब ये भी दरअसल पूरा सच नहीं है। 1951 में भी, 1951 की जनगणना में भी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की गिनती हुई है, क्योंकि संविधान के हिसाब से उनको, इन दो कम्युनिटीज को आबादी का अनुपात में आरक्षण देना है, तो ये जानना जरूरी है कि आबादी कितनी है। तो इस वजह से उस जनगणना में 1951 में और उसके बाद से सारी जनगणनाओं में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की गिनती होती है। अब गिनती किनकी नहीं होती है, जिनको आज हम पिछड़ी जातियां मानते हैं, OBC जातियां मानते हैं, कई जगह पर वो बैकवर्ड क्लासेज मानी जाती हैं, और इसके अलावा जो अपर कास्ट या सवर्ण या द्विज जातियां हैं इनकी गिनती नहीं होती है। तो 1931 का आंकड़ा आपके पास आखिरी आंकड़ा है जिसके आधार पर इस देश में सारी नीतियां बन रही हैं। और देखिए, अब मंडल कमीशन की रिपोर्ट से मैं आपको एक हिस्सा पढ़कर सुनाता हूँ। इसमें वो बोल रहे हैं, जाति के आधार पर परंपरागत पेशे से जुड़ाव के बारे में जानकारी के लिए 1891 और 1931 की जनगणना के आंकड़े के आधार पर आंकड़े इकट्ठा किए गए। अब सोचिए कि ये आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट जाकर जब लिखी जा रही है, 1978 के आसपास से इस पर काम शुरू हो रहा है, 80s के शुरुआत दौर में, और पूरा देश इस पर बहस करता है, और इसके आंकड़े जो हैं वो 1931 की जनगणना के आधार पर तय होता है, और इस देश की आधी आबादी का जो भविष्य क्या होगा ये 1931 की जनगणना के आधार पर तय होता है, इस वजह से क्योंकि उसके बाद से जातियां नहीं गिनी गई। आप कल्पना कीजिए, मैं जैसे कि आप अमेरिका में हैं, आप क्या अमेरिका में ये कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ ब्लैक्स गिने जाएं,
एशियन गिने जाए, हिस्पैनिक यानी लैटिन मूल के लोग गिने जाए और वाइट्स को ना गिना जाए। या आप दक्षिण अफ्रीका में कल्पना करके देखिए कि ब्लैक्स की गिनती ना हो और वाइट्स और इंडियंस और एशियन और जो चीन के लोग हैं इनकी गिनती हो। तो भारत में जनगणना जो है वो अधूरी जनगणना है। जनगणना का उद्देश्य क्या है? जनगणना कमिश्नर जो हैं भारत के, वो अपनी वेबसाइट में क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि भारत की तमाम विविधता और उसकी सारी सच्चाई लोगों के सामने आए, इसके लिए हर 10 साल पर जनगणना होती है। तो तमाम विविधताओं की तमाम सच्चाइयों को अगर सामने लाना जनगणना का लक्ष्य है, तो इसमें कुछ जातियों को छोड़ देना जो है वो इस लक्ष्य को पूरा करना नहीं है। जैसे इस देश में ओबीसी विकास के लिए केंद्र सरकार राज्यों को फंड देती है। अब केंद्र सरकार को ये तो मालूम नहीं कि किस राज्य में कितने ओबीसी हैं, तो फंड कितना देती है, किसी राज्य में ओबीसी ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में कम होते हैं। तो चूंकि ये आंकड़ा नहीं है, तो इस वजह से आज की तारीख में ओबीसी फंड का पैसा जो जाता है कि राज्यों को, वो कुल आबादी के हिसाब से जाता है। आप कल्पना कीजिए कि इस देश में नीतियाँ किस तरह से बनती हैं और किस तरह से चलती हैं, क्योंकि ओबीसी का आंकड़ा ही नहीं है। तो ओबीसी को कितना पैसा दिया जाए ये तय ही नहीं हो पा रहा है, ये बहुत मनमाने तरीके से तय हो रहा है। तो ये इस देश की बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से लगातार ये मांग होती रही कि जातियों के आंकड़े इकट्ठा किए जाएं, धर्म के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं जबकि धर्म के नाम पर दंगा होता है, इसके बावजूद धर्म के आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। भाषा के नाम पर इतनी लड़ाइयाँ हुई, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कई सारे नए राज्य बने, पंजाब और हरियाणा के बीच इतना मतभेद हुआ, इसके बावजूद भाषा की गिनती हो रही है। मतलब इस देश में आपको अगर मैं बताऊं अभी कि इस देश में ऊंट कितने हैं, तो भारत सरकार के पास आंकड़ा है। आप भारत सरकार से पूछिए घोड़े कितने हैं, सुअर कितने हैं, इन सब के आंकड़े उनके पास हैं। कितने गाय, कितने भैंस, इन सब के आंकड़े हैं। शेर कितने हैं, इसके आंकड़े हैं। लेकिन इस देश में ओबीसी कितने हैं, सवर्ण कितने हैं, उनमें से अलग अलग जातियाँ कितनी हैं, इसके आंकड़े नहीं हैं। ये एक अजीब सा थॉट है कि हम देखेंगे नहीं तो समस्या दूर हो जाएगी, जबकि अगर उद्देश्य ये है कि समाधान करना है किसी समस्या का, तो सबसे पहले समस्या को देखना बहुत जरूरी है। तो न देखने की जो नीति है और इससे मानना कि इससे जाति खत्म हो जाएगी, तो आप पाएंगे कि आज़ादी के बाद से ओबीसी की और सवर्णों की गिनती नहीं हो रही है। लेकिन क्या इस वजह से इनके बीच का जातिवाद घट गया है? मुझे संदेह है और आप मेरी इस बात से सहमत होंगे, इस वजह से जातिवाद खत्म नहीं हो सकता है कि आप उसको न देखें। जाति आपको हर दिन आपके टेबल पर शादी के विज्ञापनों के फॉर्म में, आपके अपने दोस्तों के रूप में, आप किनसे मिलते हैं, किनसे बात करते हैं, इन सारे रूप में आप किनसे दोस्ती आपकी हो रही है, ये सारे फॉर्म है जिसमें जातियाँ आपके आसपास तय करती हैं। जैसे आपसे ट्रेन में चलता हुआ आदमी पूछ लेता है कि आपका नाम क्या है, आपका पूरा नाम क्या है, इससे भी नहीं पता चलता है कि आपके बाप का नाम क्या है। इस लेवल पर जाति एग्जिस्ट करती है दरअसल। तो जातियाँ चूंकि इकट्ठा रूप से आप देखेंगे कि एग्जिस्ट करती हुई चीज़ है, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, तो इसके न गिनने की जो राजनीति है ये अपने आप में दोषपूर्ण है। मेरी पहली बातचीत में मैं थोड़ा सा आपको मैं जाति और जनगणना का जो इतिहास है उसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। इस बारे में हम लोग और भी बातचीत करेंगे, तो ये आखिरी बातचीत नहीं है। अब मंडल कमीशन जब तक नहीं बैठा था, सेकंड जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, और उसकी रिपोर्ट नहीं आई और उसने कहा कि हमें बहुत दिक्कत हुई क्योंकि आंकड़े नहीं हैं, और उन्होंने सिफारिश की कि जातियों की गिनती को जनगणना में शामिल किया जाए। तो मंडल कमीशन आपको बताता है कि पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में, जिसको संसद ने स्वीकार किया है, कि तमाम जातियों की गिनती होनी चाहिए। अब इसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो लागू हुई, आपको 90-91 के आसपास और 93 आते आते नौकरियां मिलने लगी ओबीसीज को, तो इसके बाद की पहली जनगणना 2001 की जनगणना थी। इसके लिए एचडी देवेगौड़ा की सरकार ने 1997 में एक कैबिनेट प्रस्ताव पास करके फैसला कर लिया कि 2001 की जनगणना में जातियों की गिनती को शामिल किया जाएगा। तो ये फैसला आज़ादी के बाद जो पंडित नेहरू ने किया था कि नहीं गिनी जाएगी, देवेगौड़ा की सरकार ने कहा कि गिनी जाएगी। लेकिन अब हुआ क्या, इस बीच में देवेगौड़ा और उसके बाद गुजराल और वो सरकार गिर जाती है और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में बन जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जिसमें गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी हैं, वो तय करते हैं कि ये जाति की गिनती न की जाए, क्योंकि इससे विराट हिंदू एकता जो है वो टूटती है। तो 2001 की जनगणना में जाति न गिनने का जो फैसला है वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार करती है। इस वजह से आपका 2001 भी बर्बाद हो जाता है। अब अगली जनगणना का प्रश्न आता है 2011 का। इस समय आप देखेंगे कि लगातार इसके बाद डिमांड हो रही है
कि जातियों की गिनती पता करो, इससे जातिवाद नहीं बढ़ेगा, सच्चाई पता चलेगी, उससे नीतियां बनेंगी, क्योंकि उसके आधार पर आप पैसे देते हैं अलग अलग योजनाओं के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जातियों की वास्तविक स्थिति क्या है। आप 2008-09 में देखेंगे लगातार कई संगठन वाम से लेकर सारे संगठन मांग कर रहे हैं कि अब जातियों को गिन लिया जाए। इसी बीच में 2009 के आसपास जनहित अभियान दिल्ली में एक आंदोलन चलाता है कि जातियों की गिनती होनी चाहिए। सारे वो सांसदों के पास जाते हैं राजनारायण जी और उनकी टीम की जातियों की गिनती क्यों होनी चाहिए। तो 2010 आते आते ये मांग तेज होने लगती है। सबसे पहले संसद में इस प्रश्न को लालू प्रसाद यादव उठाते हैं कि जातियों की गिनती को 2011 की जनगणना में शामिल किया जाए। इसके बाद संसद में 6 और 7 मई को एक बहुत बड़ी बहस होती है। इसमें हर पार्टी के नेता इसमें हिस्सा लेते हैं। इसमें बीजेपी की तरफ से गोपीनाथ मुंडे बोलते हैं, सीपीएम की तरफ से रामचंद्र डोम बोल रहे हैं, शरद यादव बोल रहे हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित हैं। सारी पार्टियां इसमें शामिल होती हैं और ये तय करती हैं, जिसमें बीजेपी भी है, कि जाति की गिनती को 2011 की जनगणना में शामिल कर लिया जाए। तो भारत की संसद में ऐसे बहुत कम मौके हैं लोकसभा के पूरे जीवन काल में जब एक प्रश्न पर पूरी की पूरी लोकसभा एकमत हो जाती है कि जातियों की गिनती कर ली जाएगी 2011 की जनगणना में। लेकिन यहां के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस के इरादे ठीक नहीं थे। वो इस जनगणना को कराना नहीं चाहती थी और इस वजह से उन्होंने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दिया, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने के हाथ में सौंप दी गई। उस कमेटी में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम बताते हैं कि 2011 की जो जनगणना हो रही है उसको न छेड़ा जाए, जैसी हो रही उसको होने दिया जाए और जातियों की गिनती अलग से करा ली जाए। मतलब संसद के बजट सत्र में जो आम सहमति बनती है उसको संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार तोड़ देती है। सरकार यहाँ पर कांग्रेस ने निश्चित रूप से एक बदमाशी की है और इसकी वजह से जातियों की गिनती 2011 की जनगणना में नहीं होती है और जाति की जनगणना को गिनने का काम एक अलग प्रक्रिया में डाल दिया जाता है। उस समय उसके लिए शुरुआत में 3,500 करोड़ रुपये उसके लिए दे दिए जाते हैं कि जातियों की गिनती आप अलग से करा लेंगे। ये बहुत अपने आप में दोषपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि भारत में जनगणना जो है वो जनगणना एक्ट 1948 के तहत होती है। इसकी वजह से उसको बहुत सारी सुविधाएं उस जनगणना में को शामिल है, जो उसमें सरकारी कर्मचारी जिसको नियुक्त किया जाता है वो मना नहीं कर सकता है, उसको जो जानकारी मिली है उसको सही जानकारी देगा वरना उसको सजा दी जाएगी, कोई व्यक्ति उसमें गलत जानकारी देता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो जाति की जनगणना जब जनगणना एक्ट के तहत होती तो उसमें अच्छे आंकड़े आते, सही आंकड़े आते, इसकी गारंटी थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने उस समय एक बदमाशी की, जिसमें कि प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम शामिल हैं, कि उन्होंने जाति की गिनती को जनगणना से अलग कर दिया। अब 2011 में एक उन्होंने गिनती के नाम पर एक तमाशा शुरू कर दिया और तय किया था उन्होंने कि सितंबर 2011 तक जाति की गिनती पूरी कर लेंगे। आप देखेंगे कि जिस गिनती को सितंबर 2011 में पूरा होना था उस गिनती के 2018 में भी एक भी आंकड़ा नहीं आया। आज की तारीख में हमारे पास उस जाति जनगणना की, जिसके बारे में अब केंद्र सरकार मोदी सरकार कह रही है कि उस पर 4,893 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, उसका आज की तारीख में आपके पास एक भी आंकड़ा नहीं है। आपको कुछ नहीं मालूम कि वो जनगणना ने क्या किया, उस पर खर्च किस तरह से हुए, चिदम्बरम साहब ने किस कंपनियों को पैसा दिया, उसमें एनजीओ को किस तरह से शामिल कर लिया गया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल कर लिया गया, और ये पूरी जनगणना जो है वो एक फेल्ड एक्सरसाइज के रूप में हुई, जिसके आंकड़े को का दरअसल कोई इस्तेमाल, ऐसा सरकार भी कह रही है कि करने लायक वो आंकड़ा नहीं है उसका। जैसे वो उन्होंने एक काम ये किया कि मोदी सरकार ने, कि जब आंकड़े के नाम पे कुछ इकट्ठा हो गया तो उन्होंने अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में, जो नीति आयोग के उस समय उपाध्यक्ष थे, एक कमेटी बना दी कि इस आंकड़े का कैसे इस्तेमाल हो बताएं। पनगड़िया साहब ने की कमेटी की एक भी बैठक उसके बाद से नहीं हो पाई। पनगड़िया कमेटी में 3 मेंबर होने थे, पनगड़िया के अलावा बाकी 2 कमेटी की नियुक्ति नहीं हुई, 2 सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई। पनगड़िया साहब नीति आयोग छोड़कर कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ाने चले गए और जनगणना के आंकड़े आपके पास आज की तारीख में नहीं है। सरकार अब घोषणा कर चुकी है उस जनगणना का जो होना था हो चुका, आंकड़े नहीं है, आंकड़े नहीं दिए जाएंगे। तो इस तरह से 5,000 करोड़ रुपए
कांग्रेस की सरकार ने और बीजेपी की सरकार ने मिलकर आपका खराब कर दिया और जनगणना का आपके पास कोई आंकड़ा नहीं आया। तो अब ये स्थिति इस समय जनगणना की है कि आज आपके जो जाति के आंकड़े हैं वो 90 साल पुराने हो चुके हैं, इसके आधार पर नीतियां बन रही है, इसके आधार पर जातियों की संख्या तय हो रही है और इसके आधार पर आरक्षण तय हो रहा है, लोगों का भविष्य तय हो रहा है 90 साल पुराने आंकड़े के आधार पर। ये इस देश की इस समय एक बहुत बड़ी समस्या है। दुनिया का कोई विकसित लोकतंत्र 90 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर पॉलिसी नहीं बनाता है। अभी 1931 के आंकड़े के आधार पर इस देश में नीतियां बन रही हैं। अब प्रश्न ये है कि 2021 में क्या होगा। 2021 की जनगणना का काम शुरू हो चुका है और उसमें बैठकें वगैरह होनी शुरू हो चुकी हैं, लोग पता कर रहे हैं कि क्या क्या जानना है नहीं जानना है। और अब सरकार कह रही है कि OBC का आंकड़ा इकट्ठा किया जाएगा। अब ये जो आप पूरा बैकग्राउंड में जहां पर हम पहुंचे हैं इसके बाद का प्रश्न है और इसको आप मेरे ख्याल से गंभीरता से सुने। हमारे बहुत सारे मित्र इसको लगातार मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं। राजेश यादव जी का मैं कमेंट देख रहा हूँ और सारे लोग हमें बता रहे हैं कि ये इस पूरी बातचीत से कई सारे प्रश्न भी आ रहे हैं, तो ये मैं उनको देख रहा हूँ और उसका प्रश्न उनका जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। तो सरकार अब ये कह रही है कि वो अगली जनगणना में 2021 में होगी उसमें वो OBC का आंकड़ा इकट्ठा करने वाली है। तो OBC का आंकड़ा इकट्ठा करने में देखिए दो समस्याएं हैं। एक, जनगणना किसी जाति के आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए नहीं होती है, ये पूरे देश के सामाजिक सच्चाई को जानने के लिए, उनके आर्थिक सच्चाई को जानने के लिए होती है। हो सकता है कि अभी हमें पता चले कि OBC की संख्या जो है वो 60% हो चुकी है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम आज की तारीख में कि क्या जो सच है वो क्या है। तो एक तो सारी सच्चाई अगर जाननी है तो OBC को गिनेंगे, SC को गिनेंगे, सवर्ण को नहीं गिनेंगे, जाट को नहीं गिनेंगे, यादव को गिनेंगे। ये बहुत ही अजीब किस्म की पॉलिसी है और इसमें ये दोषपूर्ण है, इससे सही आंकड़े भी नहीं आ पाएंगे। तो दरअसल OBC की जब वो गिनती की बात कह रही है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों से जाकर पहले पूछेंगे आप OBC हैं कि नहीं है। अब कई जातियाँ जैसे जाट जो है वो दिल्ली में OBC है, यूपी में OBC है, लेकिन वो अगर इस समय जाकर वो किसी और राज्य में है तो वहाँ पर वो OBC खुद को नहीं कह सकता है, केंद्रीय स्तर पर OBC नहीं है। कई जातियाँ किसी राज्य में OBC पिछड़ी जातियों में है, किसी राज्य में नहीं है। तो OBC जैसे ही वो पूछने की शुरुआत करेंगे कि OBC आप हैं कि नहीं और कौन सी जाति हैं, तो आपके पास कोई आंकड़ा नहीं आएगा। और जिस तरह से 5,000 करोड़ रुपये इन्होंने खराब कर दिए जाति गिनने के नाम पर 2011 से 2018 के बीच, तो दरअसल OBC गिनने के नाम पर ये फिर से ढेर सारा पैसा बर्बाद करने वाले हैं, ये खा जाने वाले हैं। तो दरअसल इनको अगर ईमानदार हैं, अगर मोदी सरकार ईमानदार है कि जाति की सच्चाई वो जानना चाहती है, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसको ये करना चाहिए कि उनको 2021 की जनगणना में सिर्फ जाति का एक कॉलम ऐड कर देना है। 1931 की जनगणना है जो कि जिस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने साधन नहीं थे, ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं थे, उस समय अगर जाति की जनगणना हो सकती है और उसके आधार पर ये देश चल सकता है, तो कोई वजह नहीं है कि जनगणना में जाति का अगर एक कॉलम शामिल कर लिया जाए और लोगों से पूछा जाए आप किस जाति के हैं। जैसे कि आप कल्पना कीजिए कि आप अपनी जाति की संख्या को की सही जानकारी देना चाहते हैं, इवन आप चाहते हैं कि जाति की संख्या बढ़ क्या है, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आप अपनी जाति के बारे में सही जानकारी दें, ताकि वो जानकारी जो है उसके आधार पर आपकी जाति जो है वो ज्यादा बनकर आए या सही बनकर आए। तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, बार बार आजमाया जा चुका है, टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है कि आपको 2021 की जनगणना में जाति का एक कॉलम शामिल करना है और इसके आधार पर आपको जनगणना के आंकड़े इकट्ठा करने हैं। इसमें सरकार से मेरा ये भी प्रश्न है कि क्या 2010 में लोकसभा में आपकी जो पोजीशन थी, जो जिसका जिक्र गोपीनाथ मुंडे ने किया था कि जाति को जनगणना में शामिल किया जाए, क्या मोदी सरकार जो उस समय BJP की पोजीशन थी उससे बदल चुकी है? क्या जो मुंडे जी इस समय अब नहीं है, वो दुनिया में दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है, क्या उन्होंने जो कहा था वो BJP की पोजीशन नहीं थी? क्या वो BJP से बात किए बगैर अपने ढंग से, मनमाने ढंग से बात कर रहे थे? BJP को बताना चाहिए कि गोपीनाथ मुंडे ने जनगणना में जो कहा था, जनगणना की डिबेट में लोकसभा में जो कहा था कि जाति की गिनती होनी चाहिए, इसके बगैर इस देश में कोई सही नीति नहीं बन सकती है, तो BJP क्या अपने उस नीति से पलट गई है? और अगर नहीं पलटी है तो 2021 की जनगणना में जाति को शामिल कीजिए,
जाति को देखने से, समस्या के रूप में उसकी पहचान करने से इस देश में जातिवाद नहीं बढ़ेगा, बल्कि बहुत सारी सच्चाइयां सामने आएंगी। ये पता चलेगा कि क्या कोई जाति जो है वो अपने हिस्से से बहुत ज़्यादा खा ले रही है, सवर्णों के अंदर भी क्या कोई दबंग जाति है, कोई वहाँ पर भी क्या कोई क्रिमिलेयर जैसा कोई कॉन्सेप्ट उभर गया है, क्या उसमें भी कोई और पॉलिसी की ज़रूरत है। ये सारे प्रश्न तभी हल हो सकते हैं जब जातियों के आंकड़े इकट्ठा किए जाएँ, न कि किसी एक कम्युनिटी का आंकड़ा इकट्ठा किया जाए। एक कम्युनिटी का आंकड़ा इकट्ठा किया जाएगा तो फिर से 5,000 करोड़ रुपये इस देश का डूब जाएगा और कोई आंकड़ा नहीं आएगा। सरकार को स्पष्ट रूप से अब एक कैबिनेट में अपना फैसला करना चाहिए। मनमाने तरीके से प्रेस के कान में जाके बोल दिया कि हम ओबीसी गिनेंगे, ये सब तमाशा बंद करना चाहिए। स्पष्ट रूप से उनको लिखित घोषणा करनी चाहिए, गजट नोटिफिकेशन करना चाहिए कि जो उन्होंने तय किया था 2010 में बीजेपी ने कि जाति की गिनती जनगणना के अंदर होगी, इसकी उनको घोषणा या तो संसद में करनी चाहिए या एक कैबिनेट प्रस्ताव के रूप में उनको इसकी घोषणा करनी चाहिए कि 2021 की जनगणना में जातियों की गिनती होगी, न कि ओबीसी की गिनती होगी। ओबीसी की गिनती अपने आप में बहुत ही दोषपूर्ण प्रक्रिया है, इसमें हो सकता है कि ओबीसी की संख्या 60% आ जाए, लेकिन हमें इसके आंकड़े बहुत ही वो उलझे हुए आंकड़े होंगे। कोई किसी राज्य में ओबीसी है, कोई कहीं नहीं है, कोई बैकवर्ड क्लास में भी 1-2 कैटेगरीज हैं, तो ये बहुत ही कन्फ्यूज किस्म का एक आंकड़ा आएगा जिसके आधार पर फिर नीतियाँ नहीं बन सकती हैं। तो अगर सरकार चाहती है कि ये देश आंकड़ों के आधार पर चले, तथ्यों के आधार पर चले, सच्चाइयों के आधार पर चले, तो उसको जाति की जनगणना कराने का प्रस्ताव अपनी कैबिनेट में पास करना चाहिए, संसद में बाकायदा इसकी घोषणा होनी चाहिए, जनगणना कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया जाना चाहिए कि जिस तरह आज़ादी से पहले जातियाँ गिनी जाती थी, उस तरह से आप जातियों को गिनिए, उनके बारे में सच्चाइयों को पता लगाइए, पता कीजिए कि किस जाति में सरकारी कर्मचारी हैं, किस में नहीं है, किसको बैंक लोन मिलता है, किसको नहीं मिलता है, कौन ज़्यादा कच्चे घर में रहता है, कौन पक्के घर में रहता है, किसके पास ज़मीन है, किसके पास नहीं है। इन सारे आंकड़ों के आधार पर आप आगे की अगर पॉलिसी बनाते हैं तो ये देश विकास कर सकता है, क्योंकि ये देश, इस देश के बहुसंख्यक लोगों के विकास के बगैर इस देश का विकास नहीं हो सकता है। तो ये राष्ट्र निर्माण का भी जो बाबा साहब का एक प्रोजेक्ट था, इसकी बात वो संविधान सभा में कहते हैं कि भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, तो बनता हुआ राष्ट्र बनेगा तभी जब इस देश के बहुसंख्यक लोग, बहुजन लोगों का विकास होगा। तो इस देश के सारे आंकड़े सामने आने चाहिए, सिर्फ ओबीसी नहीं, सारी जातियों की गिनती होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। इस बारे में आपके प्रश्नों को देखने के बाद मैं शायद एक बार और आपके पास लाइव आऊँगा आज या कल में, और इस बारे में आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। दिलीप मंडल की पाठशाला में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.